चीन और पाकिस्तान की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत तेजी से अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है और हर 15वें दिन भारत की DRDO एक से बढ़कर एक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर रही है। लेकिन अब भारत के द्वारा जिस मिसाइल की टेस्टिंग का ऐलान किया गया है वो भारत की अब तक की सबसे घातक मिसाइल मानी जा रही है। दरअसल हाल ही में DRDO के द्वारा एक नोटाम वार्निंग जारी की गई है जिसके तहत इस मिसाइल को आने वाली 6 से 7 तारीख के बीच में अब्दुल कलाम आइलैंड से बंगाल की खाड़ी की ओर लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए बे ऑफ बंगाल में लगभग 3000 किलोमीटर तक के लंबे एरिया में किसी के ड्रोन या फिर फाइटर जेट के उड़ने पर बैन लगा दिया गया है। अब वैसे आधिकारिक तौर पर तो इस मिसाइल के नाम या फिर स्पेसिफिकेशंस के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन टेस्टिंग एरिया की रेंज से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये भारत की Agni-4 मिसाइल का प्राइम वर्जन हो सकता है जो 3000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये इतनी खास इसलिए है क्योंकि इसे भारत की अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाने वाली Agni-4 मिसाइल की जगह रिप्लेस किया जाएगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ना, और नहीं।